आप बताइए, यहाँ पर आए जिस प्रकार की घटनाक्रम कल हुई, क्या प्रतिक्रिया आपकी? 5 साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन घटनाएं दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ और सुखदेव गोगामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे और वो गौ सेवा करते हुए सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। और मैं खुद उनके साथ था, उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है और ऐसी ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं मेरी सेवा को लेकर, कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनके मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन गहलोत सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल को जिहादियों ने मारा, कन्हैयालाल ने कहा कि मुझे खतरा है लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो ये स्थिति हमारे साथ हुई कि सर्व समाज की सेवा में उपस्थित समाज सेवी और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और इतनी बड़ी सेना के प्रमुख जिनके साथ ये घटना घटी, उन्होंने पूर्व में बता दिया और जब पूर्व में बता दिया उसके बाद भी उनकी मदद नहीं की गई, यानी गहलोत सरकार राजनीति के चलते, अहंकार के चलते, ये गहलोत सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदार है और पूरा जिम्मा गहलोत सरकार का, क्योंकि आज तक गृहमंत्री मुख्यमंत्री वही है, उनकी देखरेख में सारा कांड हुआ है। जब वो 1 साल से कहते आ रहे हैं और 3 साल 4 साल पहले भी कहा था उन्होंने और उनको सुरक्षा दी नहीं गई, तो इसलिए हम लोग गहलोत सरकार स्वयं को दोषी मानते हैं, उनकी वजह से ये कांड हुआ है। इस प्रकार के माफिया यहाँ पनप रहे हैं और चारों ओर भय का माहौल है। मालवीय नगर में क्लब में घटना घटी, कुछ नहीं हुआ आज तक और रोज ही घटनाएं यहाँ घटित हो रही है। यूपी की घटनाएं बाबा जी ने बंद कर दी, अब राजस्थान में घटनाओं का कारण स्वयं गहलोत है। आपको अब चूंकि बहुमत में आपकी सरकार आ चुकी है, मुख्यमंत्री की भी शपथ हो सकता है कुछ दिनों में, आप प्रशासन अभी हमारा पूर्णता बैठ गया क्या? हम नहीं आए ना अभी, जिम्मेदार अभी कौन है? अशोक गहलोत। बस इन लोगों का कहना है कि सनातन धर्म यदि आप मानते हैं तो मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इनकी जो मांगे है वो पूरी हो, आप बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं दोषियों को पकड़ना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो इसकी मांग करते हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, जवाबदेही उनकी है, उनको आगे जवाबदेही देनी चाहिए। जब वो सालों से सुरक्षा मांग रहे हैं, उनको ऐसा भय था, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर इतने बड़े बड़े ये अपराधी ग्रोह यहाँ सक्रिय हैं, कहाँ है सरकार? लास्ट सवाल, ये तो तमाम मामला आपके सामने है, डीएमके के सांसद ने कहा था कल कि गौमूत्र वाले प्रदेशों में ही बीजेपी की जीत हुई है, दक्षिण में आकर बताएं, क्या कहना है आपका? उनकी मानसिकता पता है, क्योंकि वो सनातन के विरोधी हैं और सनातन को कीड़ा मकोड़ा बोलने वाले लोग हैं, सनातन को मिटाने वाले लोग हैं, लेकिन 900 वर्ष से सनातन को मिटाने वाले खुद ही मिट गए, सनातन नहीं मिटने वाला है, ये सनातन तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। हाँ, सनातनियों की हत्या जरूर कर रहे हैं, सनातनियों की हत्या भी यही करा रहे हैं, इन इस प्रकार के बोल बोलने की वजह से सनातनियों के हमारे रक्षकों को, सनातनियों की सेवा में लगे हमारे गौ सेवकों को ये शहीद कर रहे हैं इस प्रकार की दुर्घटनाओं के द्वारा।